नमस्कार किसान मित्रों, मैं इतेंद्र यादव, आप सभी का नया वीडियो में स्वागत है। आज की इस व्लॉग में हम अपने खेत में रोटावेटर करवा रहे हैं। तो नमस्कार, आज है 12 जून 2024। तो सोयाबीन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। खेत में हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कल्टीवेटर लगा दिया है। उसके पश्चात हम क्या करें, मिट्टी में अभी थोड़ी बहुत नमी है, जिस कारण से क्या हो सकता था कि हम कल्टीवेटर लगा के पीछे खंभा लगा के अच्छे से रोटावेटरिंग भी हो जाती है और वो भी हो जाती है। लेकिन हम क्या करा कि हमारी मिट्टी में केने की मात्रा ज़्यादा थी, तो इस कारण से हम रोटावेटर करवा रहे हैं। तो रोटावेटर बहुत ही सही है। तो जो केने ही थी ना हमारे खेत में खरपतवार, तो इस प्रकार से वो क्या हुआ, देख जगह जगह आप देख पा रहे हो ये, तो ये भी सड़ नहीं पाई है। जिस कारण से क्या हुआ कि ये मिट्टी से अच्छे से मिल जाएगी, टूट जाएगी और उग भी ना पाएगी मतलब। और क्या हुआ था कि मूंग भी इस खेत में था, तो कल्टीवेटर चलाने से और रोटावेटर चलाने से क्या हुआ कि वो मूंग जो उग्र जर्मिनेशन हो रही थी तो वो भी अच्छे से टूट जाएगी, रुक जाएगी। अब जो बरसात होगी ना, उस बरसात में हम सोयाबीन की बुवाई कर देंगे। ये जो कहने थी ना, वो क्या हुआ कि मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाएगी और टूट जाएगी। कल्टीवेटर में क्या हुआ, टूट चुकी थी अच्छी तरीके से। उसके पश्चात जो मतलब दबी हुई मतलब कहने ही है वो मतलब सड़ नहीं पाई है, तो क्या होगा वो रोटावेटर से पिसा के ऊपर नीचे हो जाएगी, तो अच्छे से मतलब टूट जाएगी। और अब जब बारिश होगी ना, तब क्या हम बोए के लिए पूरी तरीके से रहेंगे। देखिए नमी तो बहुत है अभी मिट्टी में, देखिए अभी मिट्टी में नमी तो है बहुत, देख पा रहे हो आप। बस एक बारिश की देर है, उसके पश्चात सोयाबीन बोने के लिए रेडी है हमारी फसल, हमारी खेत। मिट्टी के लिए उपचार के लिए हमने गोबर खाद का भी आज उपयोग किया था, वो वीडियो शूट नहीं कर पाया, आपको बताना चाहता था। लेकिन ऊपर जहाँ जहाँ हमने था पूरे खेत में हमने अच्छे से कंपोस्ट फैला दिया है गोबर खाद का। तो ये किसान भाई क्या हुआ कि आपकी मिट्टी अभी नरम है, तो आप क्या कह सकते हैं कि कल्टीवेटर के पीछे खंभे लगाकर अच्छे से चला सकते हैं सोयाबीन बोने के लिए। उससे हुआ क्या, आपकी कल्टीवेटर से आपका खेत थोड़ा सख्त हो चुका था, वो टूट जाएगा और पीछे पीछे रोटावेटर के लिए आपकी मिट्टी खंभे से रोटावेटर का काम भी करेगी। तो मेरे को रोटावेटर इसने कराना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या था, केने की मात्रा ज़्यादा थी। तो केने क्या हुआ कि अभी सड़ी गली नहीं है, दिन कम है और अच्छे से मतलब रोटावेटर पीसा कर ऊपर आ जाएगी, तो इसी के लिए मैंने रोटावेटर का उपयोग किया है। और देखिए कि यहाँ जो मूंग का भूसा था ना, उसको भी हमने फैला दिया है, तो क्या होगा सड़क अच्छे से खाद लग जाएगा इस प्रकार से, तो ये भी अच्छे से कंपोस्ट का काम करता है ऑर्गेनिक खाद। देखिए मिट्टी कहीं काली है तो कहीं सफ़ेद है। देखिए सफ़ेद मिट्टी क्या है कि जहाँ पर हमने लेवलिंग करवाया था वहाँ पर सफ़ेद मिट्टी है, जहाँ वो काली मिट्टी दिख रही है ना, वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ उपजाऊ मिट्टी है थोड़ी। तो सफ़ेद मिट्टी जब काली मिट्टी बनेगी ना, तो समय लगेगा, थोड़ा 6-7 महीने लगेंगे उसको काली मिट्टी बनने में। क्या होगा, उसमें खाद कंपोस्ट जलेगा अच्छे तरीके से, तब कुछ अच्छे से होगा खाद। कुआ अच्छी तरीके से अभी देखिए कुआ का लेवल देखिए, हमारे यहाँ पूरे बरसात अभी आई नहीं है, उसके पहले ही अभी तक ये लेवल पे है। बरसात आने पर इतना फुल हो जाएगा पानी, देखिए हो रहा है कि भैया देखिए रोटावेटर में हमने जो लेवल करवाया था, तो लेवल करवाने के समय बारिश तेज हो चुकी थी, तो जब हमने लेवल करवा दिया और जब हमने कल्टीवेटर चलाया तो क्या हुआ, गीली मिट्टी थी, तो गीली मिट्टी से क्या हो चुका था कि मिट्टी एकदम सख्त हो चुकी थी। तो रोटावेटर तेज कराने के बावजूद भी इस प्रकार की भी हो रही है, मतलब मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी नहीं हो रही थी कि अंदर कितनी चिकटास है। तो सोयाबीन बोना है तो क्या ऐसी ठिकाना रहेंगे, तो शायद सोयाबीन जर्मिनेशन में दिक्कत हो सकती है। और रोटावेटर को चलते चलते शाम के 5-6 बज चुके हैं और मौसम भी बहुत ही बिगड़ रहा है, क्योंकि देखिए आज तेज बारिश हो सकती है, देख पा रहे ऊपर कितने खतरनाक बादल छाए हुए हैं। और फिलहाल अभी रोटावेटर होने ही वाला है, उसके पश्चात
आज रात कभी तेज बारिश हो गई तो कल हम इस खेत में रोचा रोटावेटर हो रहा है यहाँ पर सोयाबीन की बुआई कर देंगे। देन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं पानी ले रहा था कुएं से तो इसके अंदर क्या है कि मछली के कुछ बच्चे हैं बारीक बारीक, मैं वो बताना चाहूँगा कि कुएं से इसी में पानी लिया तो इसके अंदर देखिए बारीक बारीक बच्चे हैं। ओ भाई मछली के बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, तो उसको मैं कुएं में रिलीज कर देता हूँ क्योंकि यार मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं कर लेता। मैं अभी तक मांस मटन तक नहीं खाता, शुद्ध शाकाहारी लड़का हूँ मैं।